और एक चीज बोलता हूं, आप घबरा जाएंगे, वास्तव क्या है, क्या है भाई, इनके इनके बयाना में बैठना नहीं, हमारा कारोबार बंद कर डालते हैं जी, वास्तव इधर का कमरा इधर चला गया, खत्म, बरकत खत्म, किचन इधर आ गया खत्म, टॉयलेट इधर नहीं आना खत्म, किधर है अकीदा तुम्हारा, किसने तुम्हें कहा, कुरान की कौन सी आयत, कौन सी नबी की हदीस, किस सहाबी से तुमने ये लिया है, मगर करते हैं वास्तव, क्यों, बिकता नहीं हजरत, खरीदने वाला नहीं होता हजरत, रज्जाक तो अल्लाह अज़्ज़ वजल है, तुमने कब से इसको रज्जाक बना लिया है, अकीदे में मजबूत रहो, अकीदा जिसका मजबूत है सही माने में वो ताकतवर है, सिर्फ हाथ पैर मजबूत हो जाना वो असल ताकतवर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرگان دین नौजवाना ने इस्लाम मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहनों हर तरह की तारीफ बड़ाई बुजुर्गी की बिरियाई अल्लाह के लिए लायक अल्लाह के लिए ज़ेबा हैं इसी तरह हर आयब से पाकी व सफाई के लायक और काबिल ज़ात अल्लाह अज़्ज़ वजल की है जिसने कुरान मजीद में सूरह अल-कहफ़ के अंदर दो लोगों की मिसाल बयान फरमाई मैंने मसनून खुतबे के बाद वो दो में से एक का तस्किरा और उसकी कुछ बातें मैंने कुरान की आपके सामने पढ़ी एक उसमें से मोमिन और एक उसमें से काफिर है और काफिर भी ऐसे हैं आप पढ़ेंगे आज पढ़ने वाले पढ़ चुके हैं और कुछ लोग इंशाअल्लाह जाने के बाद पढ़ेंगे वो ضُرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ आप मिसाल बयान कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों की ये दो आदमी कौन हैं आप तफसीर पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा बनी इसराइल का वाकिया है या फिर सिर्फ मिसाल को समझाने के लिए अल्लाह अज़्ज़ वजल ने दो आदमियों का तस्किरा किया है एक जैसे मैंने मोमिन कहा एक काफिर
और काफिर भी ऐसा काफिर जो अपनी दौलत के गुरूर में मुब्तिला होकर मदहोश होकर मुस्तकबिल की लंबी उम्मीदों में खोकर क़यामत का इनकार कर रहा है। जुमला कुरान का ऐसा वमा दुन्नुस्सात कायम, आप ये भी पढ़ेंगे सूरह कहफ में, वमा दुन्नुस्सात कायम, कोई क़यामत आने वाली नहीं है। इसका उर्दू माना यह है, कोई क़यामत आने वाली नहीं है, यही जिंदगी सब कुछ है। ऐसा मदहोश काफिर उस काफिर को मुसलमान नसीहत कर रहा है, वलौला इज़ दखलत जन्नतक, क्यों नहीं जब अपने बाग में दाखिल हुआ, खजूरों का बाग, अंगूरों का बाग, कुरान कहता है, इनब का तस्किरा, नखल का तस्किरा कुरान में है, वलौला इज़ दखलत जन्नतक, क्यों नहीं जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ, قلت ما شاء الله, क्यों ये नहीं कहा तूने, माशाल्लाह क्यों नहीं कहा, قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله, ये क्यों नहीं कहा कि जितनी भी ताकत है वो अल्लाह की दी हुई है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा अपना कमाल कुछ नहीं है। एक मोमिन की नसीहत एक काफिर के लिए है। मुअज्जज दोस्तों, कुरान की इस आयत की रोशनी में उलमा इकराम ने कुछ बातें लिखी हैं। सबसे पहली चीज, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने कुरान मजीद की इस आयत की शरह बयान करते हुए उनका जुमला यह है, वलिहाज़ा कहते हैं, वलिहाज़ा क़ाल बाद सलफ बड़े बड़े उलमा ये कहते हैं, मन आजबहु शै, किसी को कोई चीज अच्छी लगे, किसी की भी, मिन हाली ही अव वलदी ही अव माली ही, किसी की हालत अच्छी लगे, पहले अच्छे नहीं थे आज अच्छे हैं, किसी का बेटा अच्छा लगे, वलद, किसी के बच्चे अच्छे लगे, और माली ही, किसी का माल अच्छा लगे, तो सामने वाला उसे ये कहे, फल्यकुल माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, क्या बोले, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, कितने बच्चे हैं माशा अल्लाह, अभी SSLC का रिजल्ट आया है, अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह ये बच्चों की दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब करे। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन नार, एक मोमिन यही है, दुनिया भी अच्छी चाहिए, आखिरत भी अच्छी चाहिए, और नार से बचना भी है, आग से बचना भी है। जब मुंबई में मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया था, मुंबई में मेरे साथ दो और अच्छे मदनी उलमा भी थे, हमें एक ही जुमला कहा गया, एक मोमिन की जिंदगी ये कुरान की आयत है, एक मोमिन दुनिया में भी कामयाब होना चाहता है और आखिरत में भी कामयाब होना चाहता है, इसीलिए इस दुआ को जामियो दुआ कहा गया है, जामे दुआ है। रब्बना आतीना, पूरे तवाफ में कोई दुआ साबित नहीं, आप जो चाहें दुआ पढ़ सकते हैं, मगर रुकन यमानी और हजर असवद के बीच में यह दुआ साबित है। अल्लाह अकबर, रुकन यमानी और हजर असवद के बीच में यह साबित है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, मेरी अल्लाह से दुआ है। सुभान अल्लाह, यहां सुन लीजिएगा, किसी की कोई चीज अच्छी लगे, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला, पढ़ने की आदत डालिएगा, पढ़ने की आदत डालिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत जो होगी वह नजर बद से होगी। आप नबी की बात का इंकार नहीं कर सकते, आप अल्लाह के रसूल की बात का इंकार नहीं कर सकते। आप नजर लगती है, आदमी उससे बर्बाद होता है। अल्लाह के नबी के जमाने में एक सहाबी पानी ना रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं, अल्लाह ने बड़ा अच्छा बदन दिया था, एक दूसरे सहाबी की निगाह पड़ी, और वो क्या कैसी निगाह पड़ी अल्लाह बेहतर जानता है, वो बेहोश हो गए, वैसे ही बेहोश हो गए। हदीस में आता है सिर्फ सांस चल रही थी, हाथ हिला नहीं पा रहे थे, पैर हिला नहीं पा रहे थे, सिर्फ सांसें चल रही थी। अल्लाह के रसूल से कहा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ऐसा हो गया है, नबी आए और नबी ने आकर कहा क्यों तुम लोग दूसरों को कत्ल कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो। उसके बाद उनको वजू बनवाया गया, गुस्ल, वो पानी लेकर उन पे डाला गया, तरीका है, बाद में होश में आए। जी लगती है नजर,
एक पैगंबर अपने बच्चों से कह रहे हैं, बड़े पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम, या बनी अला तदखुलु मिन बाब वाहिद, ऐ मेरे बच्चों एक दरवाजे से मत जाओ। कुरान मजीद 13वां पारा सूरह यूसुफ, कुरान पढ़ रहा हूं। या बनिया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, जी हां इसका माना यही है, मेरे प्यारे बच्चों, ला तदखुलु मिन बाब वाहिद, एक डोर से अंदर मत जाओ। भाई तो यूसुफ के हैं ना, खूबसूरत तो रहेंगे। हजरत यूसुफ अगर खूबसूरत हैं, उनके भाइयों में कम से कम थोड़ी बहुत तो खूबसूरती रहेगी, और अगर सारे 11 के 11 भाई एक साथ एक डोर में अंदर जाते हैं, तो बाप हजरत याकूब, अल्लामा इब्ने कसीर कहते हैं खशिया अलैहिम अलऐन, इब्ने कसीर का जुमला है, बाप को नजर का डर हुआ, लगती है नजर, इसलिए कोई भी चीज किसी में देखे इंशाअल्लाह ताला, ये जुमला पढ़ा कीजिएगा। अरब दुनिया में अल्लाह जजाय खैर दे, कुछ भी हो आज भी खैर वहां बाकी है, मेरा जुमला सुनिएगा, कुछ भी हो आज भी खैर उनमें बाकी है। हमारा मसला ऐसा है, हमारा छोटा भाई नमाज नहीं पढ़ता, बड़ा भाई दरगाह को जाता है, खानदान के बहुत सारे लोग गुनाहों में मुब्तिला हैं, हमें उनकी फिक्र कम होती है, अरब की ज्यादा होती है। हमारा यही मसला है, खानदान में बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, सुबह में बच्चियां नमाज नहीं पढ़ रही है, हमें उनकी फिक्र कम होती है, और सऊदी क्या कर रहा है, कौन उठ रहा है, कौन बैठ रहा है, जितना भी हो उनमें कुछ आदतें हैं, कोई अच्छी चीज देखे, बारक अल्लाह वफीकुम, बारक जजाकुम अल्लाह मशकूर, कितने अच्छे अच्छे अल्फाज हैं, बड़ी बड़ी चीजों से ये लफ्ज बचा लेते हैं हमें, अल्लाह वो आदतें जो अच्छी हैं हमारे अंदर लेकर आए। देखिए ये सुनो, बाद उस सलफ, किसी के अंदर भी कोई चीज तुम देखो, उसकी हालत अच्छी है, उसका बच्चा अच्छा है, उसका माल अल्लाह ने उससे बरकत दी है, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला وهذا ماخوذ من هذه الايه الكريمه, और ये इस आयत से निकाला गया है। अल्लाह अकबर, ये आयत नंबर 30 पर 39 सूरह सूरतुल कहफ से उलमा ने इसको निकाला है कि किसी में कोई अच्छा अच्छाई देखो, आप ये दुआ पढ़ दिया करो, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। सेकंड, एक हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हदीस इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा रावी हदीस हैं, अल्लाह इसकी भी मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। कहते हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कसरत हुमूमुहु व गुमूमुहु, जिसके भी गम बढ़ गए हों, क्या बढ़े हों, गमें बढ़ गए हों, दर्द बढ़ गया हो, किसी भी मुसलमान का अगर गम बढ़ गया है, दर्द बढ़ गया है, तो अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए मैंने एक बार जुमा का खुतबा दिया था, आज का जो मौजू मैं जुमा का खुतबा दे रहा हूं ना, 3 साल पहले मस्जिद सलफिया में दिया हूं, 3 साल पहले मस्जिद, हमें तो गुज़िश्ता जुमा याद नहीं, 3 साल पहले कहां याद रहे जी, हमें गुज़िश्ता जुमा हमें याद नहीं रहता, तो 3 साल पहले तो हुनूस दिल्ली दूरस्त, वो बहुत दूर की बात हो गई जी। सुनिएगा गौर से, किसी भी मुसलमान का गम बढ़ गया हो, बहुत दर्द हो रहा हो, याद रखो क्या करना है, पूरी पैकेट खाली करना है, वेट करो नहीं, आम हालतों में हम एक पैकेट और गमों की हालतों में 3। एक साथी ने मुझसे कहा, उनके बच्चे को मस्जिद रहमानी के पीछे से पुलिस ने पकड़ लिया था, बच्चा जा रहा था काम करके, ऐसे ही उठा के डाल लिए, कोई और भाग रहा था इसको पकड़ लिया, नमाजी रहमानी के मुसल्ली बिचारे, एडवोकेट्स के दरवाजों पर चलते चलते थक गए, निकल नहीं रहा था बच्चा। उन्होंने मुझसे कहा शेख, कभी कभी दिल में ख्याल आता था शराब पी लूं जाकर, कोई काम नहीं हो रहा था, कभी जहन में ख्याल आता कि ऐसे कुछ कर लूं, मन का सूरत हुमूमुहु व गुमूमुहु, अगर किसी के गम बढ़ जाएं, किसी के फिक्र बढ़ जाए, क्या करे वो, बहुत सारे इलाज हैं, एक इलाज ये है जो नबी ने कहा फल्युक्थिर, कसरत से ये जुमला पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कसरत से पढ़ो इसे, ला हौला, आगे का आपको याद है, आगे का आपको याद है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता, नहीं है कोई ताकत, अल्लाह अकबर, ला हौला वला कुव्वता, नहीं है कोई कुव्वत
इल्ला बिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के पास है। हय्या अलस्सलाह हय्या अलफलाह इमाम मुअज्जिन पढ़ते हैं, सारी नमाज सारी अजान में वही जुमला दोहराना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन, मगर ला हय्या अलस्सलाह पर हय्या अलफलाह पर यह पढ़ना है ला हौला। क्यों भाई क्यों? सारे अजान का जवाब वही रिपीट करना है, मगर इस जुमले पर हमें यह क्यों? इसलिए कि मुअज्जिन कह रहे हैं हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज की तरफ, तो हम ये जवाब दे रहे हैं नमाज को आना भी हमारी ताकत नहीं है, अल्लाह चाहा तो ही आएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबह में उठने की हमारी सकत नहीं है, हम उठ नहीं सकते हैं, अल्लाह तू ताकत दे तो उठेंगे। अल्लाहू अकबर, तेरी ताकत हो तो ही नमाज को हम आ पाएंगे। ला हौला वला, छोटे छोटे जुमले, अगर किसी को गम हो हद से ज्यादा अल्लाह के नबी कहते हैं ये पढ़ा करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह। एक और चीज है, बहुत बड़ी बात, ये हदीस बुखारी में है 6610, हदीस का नंबर सही बुखारी है। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन कहते हैं, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बच्चों को भी याद होगा ये, अला अदुल्लुका अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत का खजाना बताऊं। अल्लाहु अकबर, क्या जुमले हैं देखो ये, मैं तुम्हें जन्नत का खजाना बताऊं। आज अय मेरे जुमा के साथियों, मेरा जुमला कैसा है, अय मेरे जुमा के साथियों, आज मैं और आप इस मस्जिद से जन्नत का खजाना लेकर जाएंगे और ये बच्चे भी यहां से लेकर जाएंगे। नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला अदुल्लुका अला कंज़िम मिन कुनूज़िल जन्ना, मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना दिखाता हूं, और वो खजाना ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। छोटा जुमला है, कसरत से पढ़ा कीजिए, कसरत से पढ़ा कीजिए। इस जुमले का माना मैं तुम्हें बताता हूं, अरबी जबान में उलमा इकराम ने लिखा है तफवीदुल कुव्वती इल्लल्लाह अज़्ज़ वजल। इस जुमले का माना यह है सारी कुव्वत अल्लाह के हवाले कर देना। सुबह वहु अल्लज़ी लहू अल कुव्वतुल मुतलका, वही अल्लाह जिसके पास सारी कुव्वत मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक सवाल करता हूं, जवाब मैं ही दूंगा, क्या उस अल्लाह के पास ये कुव्वत नहीं है कि वो आज की जो फासिस्ट ताकतें हैं उन्हें हराए? क्या अल्लाह के पास वो ताकत नहीं है कि इंशाल्लाह 4 जून को अच्छा रिजल्ट दिखाए? नहीं, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब मुस्कुरा रहे हैं। मेरे भाई, एक ताकतवर मोमिन कौन है जानते हैं? एक ताकतवर मोमिन किसे कहते हैं? यही मेरा मौजू है। एक ताकतवर मोमिन किसे? अल्लाह के नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व ताला मोहब्बत करता है ताकतवर मोमिन से। अल्लाहु अकबर, बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। अबू हुरैरा रावी हैं रजी अल्लाहु अन, सही मुस्लिम की हदीस है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, अल्लाह के नबी ने कहा صلى الله عليه وسلم, المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير। मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक गुजारिश, गुजारिश से छोटा लफ्ज तो एक इंसान के लिए नहीं बोल सकता। मेरी एक गुजारिश है तमाम स्टूडेंट्स से जो पढ़ रहे हैं इस आयत, इस हदीस को आप इंशाल्लाह जाके लिख के रखेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल मोमिनुल कवी, ताकतवर मोमिन बेहतर है और अल्लाह को ज्यादा प्यारा है, महबूब है कमजोर मोमिन से, हालांकि दोनों में खैर मौजूद हो, फिकुल्लिन खैर। आगे सुनो जुमला कितना अच्छा है, इहरिस अला मा यनफाउक वस्तईन बिल्लाहि वला ताअजज। बहुत बड़ा जुमला है भाई, ए मुसलमान साथियों, احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, जिससे भी फायदा पहुंचे उसकी लालच करो, उसके लिए मेहनत करो, खूब मेहनत करो। واستعن بالله, ये भी याद रख लो जी अच्छे से, सिर्फ असबाब पर यकीन करना तौहीद के खिलाफ है। नहीं समझ में आएगा जुमला ये, आप ये जुमला समझ में नहीं आएगा आपको, सिर्फ असबाब पर एतिमाद करना सब कुछ ये है तौहीद के खिलाफ है। ये होगा तो ये हो जाएगा, ये कर लूं तो मैं पढ़ लूंगा, नहीं होगा। एक मोमिन में एक काफिर में ये फर्क है, काफिर सिर्फ असबाब पर यकीन करता है, मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करके असबाब पर यकीन करता है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।
अल्लाह हमें समझने की रात भर पढ़ते हैं बच्चे, मेहनत करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, इंशाल्लाह मेरा रिजल्ट सही आएगा इंशाल्लाह। यह है मोमिन, इसको मोमिन कहते हैं। सिर्फ राकेटों पर भरोसा, सिर्फ ताकत पर भरोसा, यह काफिर की अलामत है। मोमिन ऐसा नहीं होता, मोमिन अल्लाह पे भरोसा भी रखता है और साथ में असबाब भी अख्तियार करता है। अल्लाह हमें मोमिन बनाए, अल्लाह हमें मोमिन बनाए। हदीस कितनी अच्छी है देखो, इहरिस अला मा यनफउक वस्तईन बिल्लाह वला तअजिज, जिससे फायदा पहुंचे उसकी लालच करो, अल्लाह से मदद मांगो। ये जुमला बड़ा है भाई, हो सके तो अपने दिल में पढ़ लो, वला तअजिज, वला तअजिज, हार के मत बैठो। क्या जुमला है, मेरे नबी कह रहे हैं, ऐ नौजवान बच्चों, ऐ मेरे पढ़ने वाले बच्चों, हार के मत बैठो, ये नबी का जुमला है। आप एक बार एग्जाम लिखे हो नाकाम, फिर लिखो जी। क्या है नीट, उसका रिजल्ट आने वाला है, नीट का रिजल्ट आने वाला है। मेरी अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे हर बच्चे को कामयाबी अता फरमाए। 14-14 घंटे मेरे बच्चे पढ़ते हैं माशाल्लाह जी, खुशी होती है। और सारे वो बच्चे जो मेहनत किए हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों को मिला के कह रहा हूं, अगर आप नाकाम भी हो जाओ मेहनत कर तो तुम्हें गम करने की जरूरत नहीं, गम करने की जरूरत नहीं। और मैं अपने लिए और आपके लिए, सारी उम्मत के लिए एक बात बोलता हूं, हिंदुस्तान में माशाल्लाह इस मर्तबा हम लोगों ने पूरी मेहनत की और वोट डाला है, नहीं आज बोलने की जरूरत नहीं, मत सो बोलकर, सारे लोग माशाल्लाह चाको चौबंद सुन रहे हैं मुझे। हमने सारी मेहनत की और ऐसे भी देखा गया लोग बसों का इंतजाम किए, अगर किसी का वोट उधर है वहां जाके डालो, गाड़ियों का इंतजाम किए, सारी मेहनत हमने कर ली। अभी एक मोमिन बनकर अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह जो भी नतीजा आएगा हम उस पर राजी हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बिल्कुल घबराओ नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ। इससे पहले मैंने कहा, आज दोबारा मैं कह रहा हूं, 400 पार क्या तुम 500 पूरे ले लो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छे से याद रखो, हमने मेहनत की, हमने अल्लाह पे भरोसा किया है, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में। ये मोमिन की जिंदगी होती है मेरे भाई, अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। और इंशाअल्लाह मेरे नबी ने मरने से सिर्फ 3 दिन पहले एक हदीस बयान फरमाई, कितने दिन, सिर्फ 3 दिन पहले अल्लाह के रसूल ने एक हदीस बयान फरमाई, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन इस हदीस के रावी हैं। यह हदीस हमारी पूरी जिंदगी है इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। हजरत जाबिर कहते हैं रजी अल्लाह अन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मौत से 3 दिन पहले यह कहा, अल्लाह अज़्ज़ वजल कहता है, मैं बंदा जैसा सोचता है मैं वैसा उसके साथ करता हूं। अन इंद ज़न्नि अब्दी बी, अगर वो मेरे बारे में अच्छा सोचता है मैं उसके साथ अच्छा करता हूं, अगर वो बुरा सोचता है तो बुरा करता हूं। अल्लाहु अकबर, कुछ समझ में आया। अल्लाह हमें समझ की तौफीक अता फरमाए। इस हदीस की रोशनी में अपनी सोच को हमेशा मुस्बत रखिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, बेहतर ही होगा इंशाअल्लाह, हमेशा ये सोचने की कोशिश कीजिए। हदीस मुकम्मल कर लेता हूं, वक्त खत्म होने के करीब है, पूरी हदीस सुन ले। وَإِنَّ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُل لَّوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, अगर कोई चीज तुम्हें पहुंचे, नतीजा खराब आ गया, अगर नतीजा खराब आ गया, रिजल्ट खराब आ गया, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ऐसा मत बोलो, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, ये हो गया, नहीं बोलो ऐसा। फला तकुल लो अन्नी फालतू काना कदा वाला किन कुल, क्या कहना है, अगर नतीजा खराब आ गया तो क्या बोलना है, क्या बोलना है। बीच में एक बात रोक कर मैं बोल देता हूं इंशाअल्लाह ताला, तवक्कुल की बात चल रही है। एक बहुत बड़े मोहसिन, बहुत अच्छे इंसान, काका सईद रहिमहुल्ला का इंतकाल हुआ इस हफ्ते के अंदर। 100 साल पुराना मदरसा जामिया दारुस्सलाम उमराबाद, जिसने मुझे भी पढ़ाया, अब्दुल अजीम साहब को भी पढ़ाया, अब्दुल हसीब साहब को भी पढ़ाया, तारिख साहब को भी पढ़ाया, शेख नूर हसन को भी पढ़ाया, दक्तूर जिया को भी पढ़ाया, ये तुम्हारे सामने के लोग हैं, जिन्हें तुम नहीं जानते हो वो हजारों में हैं। हमेशा मेरे उस्ताद कहा करते थे हफीजुर रहमान, जो शेख अल्बानी
शेख बिन बास के शागिर्द थे, सामने बैठकर पढ़े थे, हमेशा बोलते ये मदरसा गरीबों का मरकज है। क्या बोलते? मैंने 12 साल में एक रुपया भी फीस नहीं दिया है, मैंने 12 साल में एक रुपया भी फीस नहीं, मैं गरीब था और ये मदरसे ने मुझे इस लायक बनाया, आज मैं यहां खड़े होकर जुमा का खुतबा दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। वो एक चमड़े के कारोबारी थे, चमड़ी की बास उनके अंदर आती थी, चमड़ा बेचने के बाद पैसा लाने के लिए दिल्ली तक जाते थे। एक बार वो अब्दुल जब्बार गजनवी रहिमहुल्ला के दर्स में बैठे अमृतसर पंजाब में, बड़ा अच्छा लगा दर्स, उनके दर्स में आले हदीस हो गए वो माशाल्लाह। जब भी जाते एक इरादा ये करते, हमेशा इनके दर्स में बैठूंगा इंशाल्लाह, वही मामूल बना लिए। एक बार उन्होंने मशवरा दिया, साउथ इंडिया में कोई मदरसा नहीं है, आप जाकर खोलो मदरसा। मैं चमड़े वाला, मैं कारोबारी, कोई आलिम भी नहीं, जाओ खोलो, अल्लाह मदद करेगा इंशाल्लाह। वो आए और उन्होंने एक ऐसी जगह जहां पर बस नहीं, रेल नहीं, कोई रास्ता नहीं, पहाड़ के नीचे दो छोटे छोटे खपरेल के घर बना दिए और मदरसा खोल दिए। लोगों ने पूछा यहां कौन जी पढ़ने आएगा, ये जुमला सुनो गौर से, यहां कौन जी पढ़ने आएगा। कहा जिस अल्लाह पे भरोसा करके मैंने इदारा खोला है, वही अल्लाह असातिजा को भी भेजेगा, वही अल्लाह बच्चों को भी भेजेगा। अल्लाहु अकबर। 100 साल हो गए आज, 100 साल हो गए, चौथा पांचवा जनरेशन उसे चला रहा है, उसके खादिमों में एक खादिम, सुभान अल्लाह, उनका इंतकाल हुआ 80 पर 8 साल की उम्र में। अल्लाह से दुआ कीजिए, उन्होंने उम्मत पर एहसान किया है, उन्होंने अच्छे लोगों को पैदा किया है, उन्होंने अच्छे उलमा उम्मत के हवाले किए हैं। दुआ करें अल्लाह ताला, इंसान होने के नाते अगर उनसे कुछ गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, जन्नत की खिड़की अल्लाह उनके लिए खोल दे। अल्लाह तबारक व ताला फिरदौस में अल्लाह ताला उनका मकाम अता फरमाए। बात चल रही है इसलिए मैंने तुम्हारे सामने ये बात पेश कर दी है मेरे भाई। हदीस सुन लो, अगर गलत रिजल्ट आए, हमारे दिमाग के खिलाफ अगर रिजल्ट आता है, हमें क्या बोलना चाहिए ऐसे वक्त? सिर्फ इस रिजल्ट के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी है इसके अंदर, क्या हमारे एक मुसलमान को क्या बोलना चाहिए? ऐसा करते तो ऐसा होता, ये तो नहीं बोलना, ये जायज नहीं है। क्या बोलना है फिर? वलाकिन कुल, अल्लाह के रसूल सिखा रहे हैं, ये बोलो, अगर गलत हो गया तो ऐसा पढ़ो, वलाकिन कुल कदरुल्लाह, अल्लाह ने तकदीर में यह लिखा है, माशा अफाल, अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ। क्या बोलना? यही हमारी तकदीर है, जो अल्लाह ने चाहा है वो हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें इस हदीस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। 5 मिनट जुमा के रह गए हैं, मैं उंगलियों पर गिनाकर ताकतवर मोमिन किसे बोलते हैं अपना जुमा का खुतबा मैं खत्म कर लेता हूं इंशाअल्लाह। ताकतवर मोमिन वो है, अय्यकून कवियन फी अकीदती, जिसका अकीदा मजबूत हो वो ताकतवर है, जिसका अकीदा मजबूत किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, वो जरा बराबर भी टस से मस नहीं होना, अकीदे में बड़ा मजबूत रहना। अभी मैंने कहा उसका तवक्कुल मजबूत हो, उसका एतिमाद मजबूत हो, ये ताकतवर मोमिन है। उलमा का एक जुमला पढ़ देता हूं, वक्त नहीं है, हदीस मैंने नोट की है, वक्त हदीस के लिए नहीं है। उलमा ने एक जुमला लिखा है, ये जुमला आप लिख के रखना जाकर इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह, लिखेंगे इंशाल्लाह। खतीब पूछे तो बोल सकते हैं, मन खाफ अल्लाह खाफहु कुल्लु शय, जो अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है, जो अल्लाह से डरता है हर चीज उससे डरती है। वो अलम यखफिल्लाह, और जो अल्लाह से नहीं डरता अखाफहु कुल्लु शय, हर चीज उसको डराती है। लिख के रखो इसे जाकर, इसे लिख के रखो, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है पूरी दुनिया उससे डरती है इंशाल्लाह, और जो अल्लाह से नहीं डरता। अच्छा वो किस किस से डरता है भी बताऊं, उसका अकीदा कैसा होता है? सामने बिल्ली चलेगी तो डर जाता हूं, हाथ पैर तो बड़े मजबूत, बाइसेप्स बड़े, चेस्ट 56 इंचेस का चेस्ट बड़ा है, हाथ पैर बड़े हैं, हाइट बड़ा है, माशाल्लाह, क्या बताएं, बिल्ली से डरता है, सामने बिल्ली, अकीदा कमजोर। और एक चीज बोलता हूं आप घबरा जाएंगे, वास्तव, क्या है, क्या है भाई, इनके इनके बयाना में बैठ नाच नहीं, हमारा कारोबार बंद कर डालते हैं जी, वास्तव, इधर का कमरा इधर चला गया खत्म, बरकत खत्म, किचन इधर गया खत्म, टॉयलेट इधर नहीं आना खत्म, किधर है अकीदा तुम्हारा? किसने तुम्हें कहा कुरान की कौन सी आयत
कौन सी नबी की हदीस, किस सहाबी से तुमने ये लिया है, मगर करते हैं वास्तव। क्यों? बिकता नहीं हजरत, खरीदने वाला नहीं होता हजरत, रज़ाक तो अल्लाह अज़्ज़ वजल है। तुमने कब से इसको रज़ाक बना लिया है? अकीदे में मजबूत रहो, अकीदा जिसका मजबूत है सही माने में वो ताकतवर है। सिर्फ हाथ पैर मजबूत हो जाना वो असल ताकतवर नहीं। सेकंड, कौन ताकतवर है? अय्यकून कवियन फी इबादती, वक्त हो चुका है जो अपनी इबादत में ताकतवर है। किसमें? अल्लाह मुझे और आपको हजरत उमर जैसा ताकतवर बनाए। कैसा? कैसा ताकतवर? खत्म, दो तीन मिनट में खत्म कर लेता हूं। एक रस्ते से जा रहे हैं, यह है ताकतवर। शैतान अगर वो रस्ते में है तो उमर को देखकर शैतान रास्ता बदल रहा है। हदीस बुखारी में है, सही बुखारी में यह हदीस मौजूद है, किताब अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बाब में यह हदीस मौजूद है। नबी उमर से कह रहे हैं, इब्न अल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, वल्लजी नफ्सी बियदिहि, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मा लकियक शैतानु, शैतान तुम्हें किसी भी गली में अगर मुलाकात करे, सुभान अल्लाह, तो शैतान अपनी गली बदल लेता है। बनना है तो ऐसे ताकतवर बनो। और ये इबादत में बड़े ताकतवर थे, फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। हो सकता है ये मेरी आज के खुतबे की आखिरी बात हो इंशाल्लाह। एक आदमी पीछे से अबू लूलू फैरोज आया, 3 मरतबा पेट में चाकू चुबाया, पूरी अंतड़ियां बाहर आ गईं। वो दिन बड़ा नाजुक और बड़ा दर्द भरा हजरत उमर के लिए था। पूरी रात नहीं सोए, दूध पिलाते थे, खाना खाने की ताकत नहीं थी, अंतड़ियों से बाहर आता दूध, ये हालत है। सारी रात नहीं सोए, सुबह की नमाज के वक्त में जरा आंख लग गई। एक आदमी आया, कहा फजर की नमाज का वक्त हो गया है। फौरन घबरा के उठे और कहे, इस हालत में भी नमाज वक्त पर ही पढ़ना है। नहीं समझ में आई बात नौजवानों? समझ में नहीं आई बात? अरे दूध पीते हैं तो पेट से निकल रहा है, हजरत उमर की जबान से यह जुमला निकल रहा है, इस हालत में भी नमाज छोड़ के आगे नहीं जा सकते, कोई उजर नहीं है, तो मेरे और तुम्हारे लिए कहां से उजर हो जाएगा? अल्लाह हमें इबादत में ताकतवर बनाए। किसमें? अल्लाह हमें इरादे में ताकतवर बनाए। किसमें? आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ करता हूं, और जुमा का खुतबा खत्म करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे मजबूत इरादे वाला बनाए, अल्लाह आपको मजबूत इरादे वाला बनाए, अल्लाह सारी उम्मत के नौजवानों को मजबूत इरादे वाला बनाए, सुभान अल्लाह। हदीस सुन लो, आखिरी हदीस, बुखारी में भी है हदीस, मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, लैस शदीदु बिसरा, ताकतवर वो नहीं है जो लड़ाई में सामने वाले को उठा के पछाड़ देता है, रिंग में जो सामने वाले को मार देता है ना, अल्लाह के नबी कहते हैं वो ताकतवर नहीं है। कौन है ताकतवर? हदीस आप जानते हैं, कौन है ताकतवर? जरा जोर से, अल्लाह जजाए खैर दे आपको जी। ऐसा है क्या? हम अल्लज़ी इन्नमा शदीद, सही माने में ताकतवर मोमिन वो है, अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, जो गुस्से के वक्त में अपने आप पे, अपने इरादे पे, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेता है। नबी कहते सही माने में ये ताकतवर है। अल्लाह हमें इरादे में कवी बनाए, अल्लाह हमें अकीदे में कवी बनाए, अल्लाह हमें अखलाक में कवी बनाए, अल्लाह हमें इबादत में कवी बनाए, और अल्लाह हमें बदन में भी कवी बनाए। अल्लाह सारे उम्मत मुस्लिमा के अंदर जो मजबूर लोग हैं, अल्लाह उनकी मजबूरियों को दूर फरमाए, जो परेशान हाल लोग हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, जो मर चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जो मर चुके हैं अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आज भी जुमा को आने से पहले एक बहन का फो ये आया, इंतकाल हो चुका है, नाम कहा गया गुलजार, नाम कहा गया गुलजार, मैं उनके जनाजे में शिरकत नहीं कर सका इसलिए कि मुझे जुमा देना था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जुमा में ही उनकी जनाजे की नमाज दूसरी मस्जिद में है, अल्लाह उस गुलजार मरहूमा को जिसका कल हार्ट अटैक में इंतकाल हुआ है, अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, अल्लाह उसके बच्चों की रखवाली फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला आने वाला जो रिजल्ट है वो अल्लाह बेहतर से बेहतर बनाए, अल्लाह दुश्मनों के लिए काफ़ी हो जाए, अल्लाह दुश्मनों के लिए काफी हो जाए, अल्लाह ताला इनके इरादों को अल्लाह ताला शिकस्त फास्त अता फरमाए। हमारे अंदर ताकत नहीं है, अल्लाह में ताकत मौजूद है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। अगर ये खुतबा अधूरा रहेगा अगर मैं उनके लिए दुआ ना करूं, अल्लाह फलस्तीन के लोगों की मदद फरमाए,
अल्लाह गज़ा के लोगों की मदद फरमाए, उनके ईमान को अल्लाह और मजबूत फरमाए, हमारे ईमान को उनके जैसा अल्लाह ताला बनाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.